प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आइए, आज हम डॉक्टर प्रोफेसर मदन मोहन झा की रचना से संस्कृत शब्दों का वर्णमाला क्रम में उच्चारण और अर्थ समझेंगे। इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, बोलेंगे और साफ नोटबुक में नोट करेंगे। अ शब्द के अ वर्ण के देखते हैं। अ अजह बकरा, इसी तरह स्त्रीलिंग में अजह बकरी हो जाएगी। अन्नम अनाज, अक्षोटम अखरोट, जानते हैं अखरोट, सभी ने खाए हुए होंगे। हर्ष स्वर वर्ण हैं ये सारे, कंठ से बोले जाते हैं। अद्री पर्वत, अश्व घोड़ा, अतिरस कटलेट होती है खाने की, पता होगा। आयसम लोहा, लोहा को आयसम कहते हैं। आमलकम आंवला, आपने दुकान शॉप, दुकान से सामान लेते हैं आप, वो दुकान है ये। अब दीर्घ स्वर वर्ण होते हैं आ वाले, स्थान इनका भी वही कंठ है, ये कंठ से ही बोले जाते हैं। आलू, आलू को कहते हैं, आलू कम भी कहते हैं। आर्द्रकम, आर्द्रकम का मतलब अदरक। आम्रम आम है, रसाले भी कहते हैं आम में, आम को। तो इस तरह से ये अ और आ से बनने वाले वर्ण हैं। इसके बाद ई से देखिए, इंदुहु चंद्रमा, चंद्रमा को इंदु कहते हैं। इष्टिकहा ईंट, इक्षुहु गन्ना, ये सब ह्रस्व स्वर वर्ण हैं, ये तालु से बोले जाते हैं सभी, ये ध्यान रखना। इंदुहु इष्टिकहा इक्षुहु तालु से बोले जाएंगे। इंद्र है राजा, इंदीवरम नीलकमल फूल होता है, इंदीवर फूल। इंद्रधनुषम, इंद्रधनुषी होता है, बरसात के समय में निकलता है रेनबो, सबको पता है। ईश है भगवान, ईश्वर है प्रभु। ईशम, ईशम शिव, ईश्वर है और ईशम में फर्क है, ईश्वर है प्रभु, ईशम शिव। ये सब दीर्घ स्वर वर्ण हैं, जिनमें बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर होते हैं, तालु से बोले जाते हैं। ई से ये वो थे, ई से ये ईसे हैं, ई दीर्घ स्वर हैं। ईरवारुहु खीरा, इली गदा, जिसको हनुमान जी धारण करते हैं गदा। ईशान है शिव, ईशान है भी शिव और ईश्वर भी शिव।